दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी मारा गया, जबकि सेना के दो जवान घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके दौरान शोपियां के वानगम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया। इसकी पहचान शोपियां के छतरीपुरा में रहने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सदम हुसैन मीर के रूप में हुई है। वहीं सुरक्षा बलों को एक राइफल, AK-47 की 5 मैगजीन, AK-47 की 119 गोलियां और एक हथगोला बरामद हुआ है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। मेंढर के बालाकोट और मनकोट में गोलीबारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे पहले कल पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए पंजाब के गुरसेवक सिंह का आज उनके पैतृक गाँव तरन तारण में अंतिम संस्कार किया गया। गुरसेवक सिंह के अंतिम दर्शन और उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पूरा गांव उनके घर पहुंचा था। आपको बता दें कि फरवरी में गुरसेवक सिंह की शादी होने वाली थी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। घर वालों के मुताबिक कुछ दिनों में गुरसेवक घर भी आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आज गुरसेवक का शव तिरंगे में लिपटा उनके घर पहुँचा। सीमा पर लगातार फायरिंग हो रही है, हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है। दिन रात हमारे जवान सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक यूं ही हमारे जवानों की शहादत का ये सिलसिला चलता रहेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।